दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि थायराइड के पेशेंट के अंदर कितने बड़ा ब्लीडिंग कम होती है। अगर थायराइड आपका TSH बहुत ज़्यादा है, अगर हल्का फुल्का TSH मान लो 5, 10, 20 होता है, तो अक्सर हाइपोथायराइड पेशेंट में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो देखा गया कि जब भी TSH बढ़ता है तो यूट्रस की लाइनिंग मोटी बनती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। पर TSH बहुत ज़्यादा हो जाए, 100, 125, 150, जब ज़्यादा होने लगता है तो क्या होता है कि एग बनना बंद हो जाता है और यूट्राइन लाइन पतली बनती है और ब्लीडिंग कम होती है। तो अगर किसी ब्लीडिंग कम हो प्लस ब्लीडिंग लेट हो तो बीमारी क्या होती है, या तो उसके अंदर अनकंट्रोल हाइपोथायराइड के कारण हाई TSH, या मेल हार्मोन हाई हो, या अदर हार्मोन लाइक प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई हो, कई हार्मोन गड़बड़ होती है। बट अगर पीरियड टाइम पर आ रहा मतलब 2-4 दिन आगे पीछे आ रहा और ब्लीडिंग कम हो रही है, तो फिर दो ही कारण होते हैं, या तो स्ट्रेस होता है या कोई वेट कम के लिए एफर्ट कर रहा। तो जब भी कोई वेट कम के लिए एफर्ट करता है या स्ट्रेस करता है, स्ट्रेस टेंशन होती है, तो उसके सेक्स हार्मोन बनने कम हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन कम बनता है, उनकी यूट्राइन लाइनिंग कम बनती है और ब्लीडिंग कम होती है। उसे कोई टेंशन बात नहीं है।